नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद शाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी अद्भुत जड़ी बूटी के बारे में जानकारी देंगे जिसका नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा लेकिन कुछ लोगों ने ही उसे देखा है। आज हम आपको ऐसा बीज दिखाएंगे जो 100 बादाम के बराबर एक बीज ताकत रखता है। आज उस बीज के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। उस बीज का नाम है पहाड़ी इमली। पहाड़ी इमली के बीज से कौन कौन सी बीमारियों में इसे दिया जाता है और कौन कौन सी बीमारियों को पूरी तरह से ये ठीक करने का काम करता है, तो हम आपको इस बीज की पहचान कराते हैं। दोस्तों, हम ये पहाड़ी इमली का बीज आपको दिखा रहे हैं। ये सामान्य इमली के बीज से कम 20 गुना बड़ा है। आप ये देख रहे हैं, हमारी हथेली के हिसाब से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना बड़ा बीज है। तो इस इमली के बीज में कम से कम 100 बादाम के बराबर ताकत होती है एक बीज में ही। अब आपको इसकी पहचान कैसे करनी है कि आपके पास ये गलत ना जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हमने ये एक बीज ये तोड़ के रखा हुआ है। आप इस बात को देखिए कि इसके अंदर से जो गिरी निकली है वो बिल्कुल सफ़ेद रंग की है। आपको इसी को ही इस्तेमाल करना है। इसी को ही पाउडर बनाया जाता है और इसी को ही खाया जाता है। इसका ऊपर का बक्कल देख रहे हैं आप, इसे पानी में भिगोया जाता है जो 3 दिन में उतरता है। आपको एक बात का और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऊपर का जो है ये बीज ऊपर से चटका हुआ ना हो, टूटा हुआ ना हो, नहीं तो अंदर नमी जाकर अंदर की गिरी खराब हो जाती है, काली पड़ जाती है और वह दवाई के रूप में इस्तेमाल नहीं की जाती। और आप ये देख रहे हैं, अगर आपको इस तरह का बीज मिलता है तो ये रगड़ खाने के द्वारा ऐसा हो गया है, लेकिन ये खराब नहीं है क्योंकि इसकी साइड की आप जगह देख रहे हैं, उसमें चिकनाई है, साइनिंग है। बस आपको ये देखना है कि अंदर से जो गिरी निकलती है वह वाइट रंग की होनी चाहिए बिल्कुल। हमने आपको पहाड़ी इमली के बीज दिखाए, इसकी पहचान कराई। अब हम आपको बताते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। दोस्तों, पहला उपाय उनके लिए है जिनको खूनी बवासीर की शिकायत है, कई महीने से शिकायत है उनको, कई साल से ये उनको बीमारी है। आप इसके लिए पहाड़ी इमली का बीज ले लीजिए, उसे अच्छी तरह से जलाकर उसकी राख बना लीजिए और उस राख को कम से कम 5-5 ग्राम की मात्रा में रोज़ सुबह शाम आपको दही में मिलाकर लेना है। दही की मात्रा कम से कम आपकी 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक की ले लेना। रोज़ सुबह और शाम आप इसका सेवन करते हैं तो खूनी बवासीर आपकी जल्दी ठीक हो जाती है। हमने बवासीर के लिए जो आपको गिरी जलाने के लिए बताया है, वह गिरी ऊपर से उसका बक्कल उतार लेना, जो अंदर की गिरी होती है उसी को जलाकर राख बनाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, जिनके आँखों पे गुहरी निकल जाती हैं, आँखों पे और पलकों पे फुंसियाँ बन जाती हैं, आप इसके लिए इमली का बीज लेना, उसे सिलबट्टे पे अच्छी तरह घिसना है, जिस तरह चंदन को घिसा जाता है, इमली के बीज को घिसकर उसके पेस्ट को गुहरी पर लगाना या अपनी फुंसियों पर लगाना, आपकी 2 या 3 दिन में ही ये फुंसियाँ या गुहरी ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगला उपाय उनके लिए है जिनको बार बार पेशाब आने की शिकायत है, पेशाब में जलन की शिकायत रहती है या जिनका पेशाब पीला रंग का आता है, तो आप इसके लिए पहाड़ी इमली के बीज लीजिए। 10 ग्राम की मात्रा में आपको अंदर की गिरी लेनी है, इस बात का ध्यान रखना, 10 ग्राम की मात्रा में लेना है और इसको सुबह को और शाम को गाय के दूध के साथ आप इसका सेवन करते हैं। गिरी का पाउडर बना लेना, अगर आप वैसे चबा नहीं सकते तो आपको इसका सेवन करना है रोज़ सुबह शाम, तो आपको जो पेशाब में जलन होती है या पेशाब बार बार आता है या आपका पेशाब में पीलापन आता है तो वह ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगला उपाय उनके लिए है, इस नुस्खे को आप ध्यान से सुन लीजिए और लिख भी लीजिए जिससे आपको याद रहे कि यह नुस्खा कितना ताकतवर है, क्योंकि बहुत बलशाली लोग या जिम जो करते हैं या बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, वह अपनी धातु को रोक नहीं पाते, उनकी धातु पतली होती है। जब वह व्यायाम करना बंद कर देते हैं तो उन्हें धातु रोग की परेशानी हो जाती है, जिस कारण से उनका वैवाहिक जीवन नरक बन जाता है। और जितने भी हमारे नौजवान भाई हैं, वे किसी भी प्रकार की डाइट लेते हैं, हैवी डाइट लेते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, लेकिन उनका शरीर उभर नहीं पाता है, शरीर में ताकत नहीं बन पाती है। इसकी वजह यह है कि उनके वीर्य का पतलापन होना या धातु का लगातार गिरते रहना। तो आज जो हम आपको नुस्खा बताने वाले हैं उसको बड़े ध्यान से सुनो और लिख लो। आपको पहाड़ी इमली का बीज लेना है
और इसको अच्छी तरह से पानी में भिगो कर रखना है 3 दिन तक। आप अपने हिसाब से दवाई बनाना है, लेकिन हम आपको एक समय की डाइट के बारे में बता रहे हैं। 3 दिन तक आपको इमली के बीज को भिगो के रखना है। 3 दिन बाद जब उसका बीज का ऊपर का बक्कल फूल जाता है, उसे उतार कर और बीज के अंदर की जो गिरी निकलती है उसे अच्छी तरह से सुखा कर आपको रख लेना है। 10-10 ग्राम की मात्रा में पाउडर फॉर्म में बना लीजिए और 10 ग्राम की मात्रा में उसमें धागा मिश्री मिला लीजिए। रोज़ सुबह दोपहर शाम आप दूध के साथ इसका सेवन करते हैं तो जिनका वीर्य पतलापन है या जिनकी धात लगातार गिरती है वह ठीक हो जाते हैं। और जो व्यक्ति इस नुस्खे को ना बना पाए वो हमसे संपर्क करके इस नुस्खे को तैयार करवा सकता है, क्योंकि हम अन्य लोगों के लिए भी इस नुस्खे को तैयार करते हैं। दोस्तों, हम आपको एक और शक्तिशाली नुस्खा बताने वाले हैं पहाड़ी इमली के बीजों का। जिस प्रकार से हमने पिछले नुस्खे में आपको बताया कि इमली के बीजों को 3 दिन तक आपको भिगो के रखना है पानी में, ऊपर वाला बक्कल उतार कर अंदर की गिरी निकालनी है, अच्छी तरह से सुखा कर उसका पाउडर बना लें। जितनी क्वांटिटी में इमली का पाउडर बनाएंगे उतनी ही क्वांटिटी में बराबर मात्रा में आपको गुड़ लेना है और दोनों को अच्छी तरह मिलाकर उसकी 6-6 ग्राम की गोलियां बना ली हैं। एक एक गोली रोज़ सुबह और शाम आप दूध के साथ लेते हैं तो आपका शरीर महाबली बनता है, शरीर शक्तिशाली बनता है। जितने भी प्रकार के रोग हैं आपके शरीर में वे सारे रोग खत्म हो जाते हैं। और लगातार कम से कम 2 महीने तक एक एक गोली रोज़ सुबह शाम दूध के साथ लेते हैं तो 50 से 60 साल का व्यक्ति भी 25 साल का दिखाई देने लगता है। इसीलिए इसको जो 100 बादाम की जो ताकत होती है वह एक गोली में ही वह 100 बादाम की ताकत संपूर्ण रूप से हमारे शरीर को प्राप्त होती है। अगला उपाय महिलाओं के लिए है। जिन महिलाओं का गर्भाशय बाहर आता है, जिसका अंग बाहर आता है, यह बीमारी जब उत्पन्न होती है, जब हम बच्चे को जन्म देते हैं तो हमारे गुप्तांग ढीले हो जाते हैं। ढीले होने के कारण गर्भाशय अपनी यथास्थिति में नहीं आ पाता है। आप इसके लिए इमली के अंदर की गिरी लेनी है, बीजों की गिरी लेनी है, अच्छी तरह से उसे पीस कर उस लेप को आपको अपने गुप्तांगों पर लगाना है। दिन में कम से कम 2 बार लगाइए, इससे आपका गर्भाशय यथास्थिति में आ जाता है और आपकी जो ये बीमारी है जल्दी ठीक हो जाती है। दोस्तों, हम आपको पहाड़ी इमली के बारे में आपको और भी बहुत अच्छी जानकारी देंगे, वीडियो बनाकर देंगे। महिलाओं के बहुत सारे रोगों को ठीक करने के बारे में बताएंगे, पुरुषों के बहुत सारे रोगों को ठीक करने के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप ये स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको ज़रूर देखना क्योंकि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारा अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।